एक समय की बात है, एक जंगल में एक पिंकी चिड़िया रहती थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। चिड़िया रोज़ाना खाना लेकर आती थी और अपने छोटे से बच्चे को खिलाती थी। मम्मी, मुझे भी उड़ना है। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूँगी। बेटा, अब बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। पिंकी चिड़िया अपने बच्चे को कंबल उड़ा देती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जल्दी उठकर खाना लेने घर से निकल जाती है। जब चिड़िया वापस लौट रही होती है, उसे रोने की आवाज़ आती है। अरे, किसकी आवाज़ है, जाकर देखती हूँ। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगता और मेरी माँ को शर्मिंदा होना पड़ता था। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चिड़िया घर के लिए निकल जाती है। मम्मी, आप आ गई? और ये कौन है? मोनू बेटा, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, अब जल्दी से खाना खा लो। कुछ दिनों बाद चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं। चिड़िया दोनों बच्चों को पीठ पर बैठाकर आकाश में ले जाती है और दोनों बच्चों को नीचे गिरा देती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बच्चे नीचे गिरने लगते हैं, पिंकी चिड़िया उन्हें पीठ पर बैठाकर ले आती है। पिंकी चिड़िया ऐसा रोज़ाना ही करती थी और कुछ दिनों बाद पिंकी चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और पिंकी चिड़िया के बच्चे खुद ही खाना ढूंढ कर लाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। चीकू पिंकू, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं घर पर नहीं आ जाऊँ। और चिड़िया जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल जाकर लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियाँ काटकर बाज़ार लेकर जाती है और लकड़ियाँ बेच देती है। लकड़ियों से मिले पैसे को लेकर वो अपनी झोपड़ी के लिए निकल जाती है और चिड़िया घर पर आकर खाना बनाती है। चिड़िया अपने दो बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें घुमाने के लिए निकल जाती है। अगले दिन चिड़िया लकड़ी काटने के लिए निकल जाती है और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार बेचने के लिए जाती है। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। अरे, आज तो कोई भी लकड़ी नहीं बिकी, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चिड़िया सोचते सोचते घर पर आ जाती है और हांडी में राशन देखती है। अरे, ये तो बस 3 चावल है। ऐसा करती हूँ, 2 दाने की खिचड़ी बना देती हूँ, एक दाना कल काम आ जाएगा। चिड़िया खिचड़ी बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रहती है। अंदर कोई है? अरे, इतनी रात में कौन आया होगा? और चिड़िया दरवाजा खोलती है। राजा चिड़िया, आप इस गरीब की कुटिया में? जी मोटी बहन, बहुत तेज बारिश होने के कारण मेरे पंख गीले हो गए हैं, क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? जी राजा चिड़िया, आप अंदर आइए। चिड़िया राजा चिड़िया के लिए खाने की तैयारी करती है और चावल के एक दाने से राजा चिड़िया के लिए खिचड़ी बना देती है। और चिड़िया के इस त्याग को देखकर राजा बहुत खुश होता है और कहता है, मोटी बहन तुम क्या करती हो?
राजा चिड़िया, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच देती हूँ। मोटी बहन, मैं तुमको एक आम का बगीचा दूंगा और तुम उस आम के बगीचे से अपने बच्चों का भरण पोषण करना। अगले दिन राजा चिड़िया उस चिड़िया को आम के बगीचे में ले जाते हैं। मोटी बहन, ये है आम का बगीचा, ये आपका हुआ। अगले दिन चिड़िया आम के बगीचे में आती है और पेड़ काटने लगती है। बगीचे में बस एक आम का पेड़ बचता है। कुछ दिनों बाद राजा चिड़िया अपने बगीचे को देखने आते हैं। एक आम के पेड़ को देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिड़िया को बुलाते हैं। फिर राजा चिड़िया उसको समझाते हैं, अरे मूर्ख, आम के पेड़ जलाकर नहीं बेचना था, इसमें लगे फल जाकर बाजार में बेचना था। अब तुम फिर से दोबारा आम के पेड़ लगाओगे, जो बचे हुए पेड़ हैं उनके आम जाकर शहर बेचोगी और देखना तुम्हें कितना अच्छा मुनाफा होता है। राजा की ये बात सुनकर चिड़िया ऐसा ही करती है और जब वह एक टोकरी आम बेच आती है तब उसे पता लगता है कि आम बेचने से कितना मुनाफा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी वस्तुओं का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करता है वही व्यक्ति उसका सही मूल्य लगा सकता है। एक समय की बात है, एक चिड़िया कई महीनों से पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी और एक दिन उसे सफलता मिल ही जाती है और वो पिंजरे से बाहर निकल जाती है। चिड़िया सीधे जंगल की तरफ उड़ जाती है और जंगल का वातावरण देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और चिड़िया को वहाँ पर कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे। अब वो पूरी तरह आज़ाद हो गई थी। जंगल में घूमते घूमते चिड़िया को एक बतख का बच्चा दिखता है और बतख का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा होता है। बतख को सोता देख के चिड़िया के मन में नटखट विचार आता है और वो बतख के बच्चे को परेशान करने की सोचती है। चिड़िया कभी बतख के सिर पर बैठकर चोंच मारती है तो कभी उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मारने लगती है। वो बहुत देर तक वो ऐसे ही करती रहती है। बतख का बच्चा जैसे ही उड़ता है चिड़िया फुर्ती से पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और हंसने लग जाती है। बतख ने चिड़िया से पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चिड़िया हंसते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं दोस्त, मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर बतख का बच्चा फिर से सो जाता है। बतख के बच्चे को फिर से सोता देख चिड़िया वापस से उसके सिर पर चोंच मारती है तो कभी पीठ पर चोंच मारती है। वो उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। बतख का बच्चा उठकर दूसरी जगह जाने लगता है और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। बतख का बच्चा सोचता है, ये चिड़िया मुझे वापस से परेशान करेगी, क्यों न इसे एक मज़ा चखा दिया जाए। बतख का बच्चा जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है, उसका सिर ही दिखता है और चिड़िया सोचती है कि बतख का बच्चा मुझसे डरकर पानी में छिप रहा है और चिड़िया उसके सिर पर बैठ जाती है और जल्दी से बतख का बच्चा चोंच में पानी भर लेता है और चिड़िया के ऊपर डाल देता है। चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं और चिड़िया पानी में गिर जाती है। बतख का बच्चा बहुत खुश होता है पर चिड़िया बहुत तेज चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बतख को दया आ जाती है और वो चिड़िया को बचा लेता है और चिड़िया उससे माफ़ी मांग कर कहती है कि मुझे समझ आ चुका है, बड़ों और छोटों के बीच का अंतर मुझे समझ आ गया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आप अपना इज्जत और शोहरत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को इज्जत देना शुरू कीजिए। लोग अपने आप आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।